देखिए पहली बात तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा ऑन दिस स्टोरी, ये पूरा एक छलावा है रियलिटी में। बता इतना नहीं, ऐसे बता क्योंकि हम दोनों जो है एक साथ में एज फ्रेंड्स, लेकिन अगली बार जब हम मिलते हैं हमें याद भी नहीं होता कि कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, but that's because हम जंगली हैं, but obviously we love each other. तो वो सबसे बड़ा छलावा है जो performance हुई, and as characters वो क्योंकि हमारे बिल्कुल विपरीत है वो characters. ये एक setup ऐसा है जहाँ पर husband and wife आप giving मतलब दुनिया के लिए वो perfect जिंदगी जी रहे हैं. जो husband है उसके खुद के problems हैं, उसके he's got his own addiction that he's dealing with. तो वहाँ पर एक कितनी खूबसूरत समझी हुई इंटेलिजेंट और जो उनकी बीवी है, यू फील बैड फॉर हर कि यार वो कहानी आगे का नहीं बता रहा ये उसमें बह के ना मतलब जुनून और पैशन में ही आपको सस्पेंस बता देगा. नहीं ना आप देखने को मैं ये बता दी छोटी सी बात है कि ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट लुकिंग कपल है. जैसे रियल लाइफ में होता है आप किसी को देख के बोलते हो वाओ कपल बोल्स ये वो, कट टू अगले दिन वो इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं कि वी हैव म्यूचुअल डिसाइडेड कि हमसे ना हो रहा तो बाय टाटा. और जो इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा डालते हैं ना हैप्पी बर्थडे बेबी आई मिस यू हैप्पी, मैंने अभी डाला पागल तो अरे तो हमने सामने बैठ के सामने बता दो उसको एक्सप्रेस करो. बट माय एक्सप्रेशन अलग था, माय एक्सप्रेशन इज यू सेलिब्रेटेड दैट मोमेंट. वो इसलिए भी था कि रॉन वो ऐसे करते थे कि baby my missed you so much, dil tak saath mein the tum, phone pe lage hue the tum, phone pe lage hue the wo, to us samay aapko yaad kiya hai ki I love you. Ab ye actually the problem kya hai relationship mein, wo invest nahi karna chahte. Par aise hi matlab in the kahaniya jo humne banayi hai wo sare relatable hai, jo actual husband wife ke beech mein hota hai, boyfriend girlfriend ke beech mein hota hai, boyfriend boyfriend ke beech mein hota hai, girlfriend boyfriend multiple job equation jo bhi aur bahar se aap kuch aur hi samajhte hain. चार दीवारी के अंदर जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है. वही दर्शाती है हमारी ये कहानी कि प्यार में रिश्तों में कैसे छल कपट होता है, कैसे धोखा होता है, और कोई भी इंसान पूरी तरह से एकदम वाइट या पूरी तरह से डेविल ब्लैक नहीं है. हर इंसान ग्रे है, नेचर इज आल्सो नेवर स्ट्रेट, इट्स ऑलवेज बेंडिंग. एंड दैट्स व्हाट दिस रिलेशनशिप इज, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप अपने में देखिए पांच कहानियां शॉकिंग स्टोरीज ऑफ बिट्रेयल, शॉकिंग एंड्स, और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि शॉर्ट कंटेंट है, इजी कंटेंट है, क्विक कंटेंट है, एंड हंगामा इज डिजाइंड फॉर एंटरटेनमेंट ऑन द मूव, सो यू कैन वॉच इट एनीवेयर. या स्पेशली फॉर मॉम्स. या और देखिए बताइए कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी है. हमारी नाक लगे दूसरों के लगे तो भी बता देना, ऐसी कोई उसमें वो नहीं है ना, लेकिन लगे हमारी चाहिए. सो सरन मैम, जैसे कि हम सभी ने लाइक अब सभी से बात किया है, तो सभी ने हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑफ स्क्रीन वाला मोमेंट कि हमने यहाँ भोपाल में किया है तो ये चीज़ें हुई है. क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी चीज़ें हुई है जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन मोमेंट? हमारा कोई योगा मतलब कई बार बताते हैं उसके अलावा. आई टेल यू व्हाट इज इंटरेस्टिंग बिटवीन कविता एंड मी की, वो कहते थे ऑफ कैमरा आपके क्या एक्सपीरियंस. हमारे एक्सपीरियंस तो ऑफ कैमरा तो हर दिन होते रहते हैं, जब हम दोनों एक दूसरे कहानी के साथ रीडिंग कर रहे थे तो भी हुए, जब शूटिंग करते हैं तो एवरी डे इज अ कॉमिक, अ न्यू कॉमिक एलिमेंट फॉर माय वाइफ एंड हर हस्बैंड टू विटनेस. तो उनको तो डेली सोप मिलता है हमारे साथ. एंड बिसाइड दैट वाइल्ड ऑन शूटिंग तो हमें उस पॉइंट एक पॉइंट पे एक्चुअली वी हैड टू रीच आउट कि यार अभी थोड़ा फिसल चलते हैं. एक चीज हाँ अब मेरे को याद है, जब हम शूट कर रहे थे एक सीक्वेंस, एक तो सुबह के 3-4 बजने में बज रहे हैं, ठंड थी और वहाँ गर्म पानी नहीं है, एंड एक सीक्वेंस आ जहाँ पर हम लोग शावर में हैं, एंड और ये इतनी पैशनेट एक्टर्स है, शॉट खत्म हुआ, हमने एक दूसरे को कहा कि यार देखो बार बार हम ये शॉट नहीं करेंगे यार, ये क्यों ठंड लग रही है, अब एक ही बार काम कर लेते हैं. तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल. सीन खत्म हुआ है वो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो एक तो प्रबल कुमार डायरेक्टर वो ऐसे देख रहा था
और एक ये ऐसे ना कभी तुम्हारे का यार ऐसा क्या हो गया। प्रबल का ये प्रॉब्लम था कि वो शर्ट जो था वो फट गया था, मैटरनिटी का जो शर्ट था, आगे के सीन में क्या करें। इन मैडम की प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को तो छाती का छाती का पेट दिया था, इनके ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी शेर को मैनहैंडल या कुछ करके आए, इनके पूरा कट इतना लाल डीप कट नाखून का डीप कट और खून बह रहा है और इनके मुंह से पहली लाइन क्या निकलती है, शूटर है मेरी बीवी यहीं पे है, उसने देखा ये शूटिंग में हुआ। इनको इस बात का डर कि बीवी ये जो है वो गलत ना सच उसका माइंड सेट अलग हो जाता है, तो तू तो भी आओ गाड़ी चलाओ और वो आके पीछे से भाग के आती थी कविता डू डू दैट। अब एक एक्टर जो कुछ घुसना चाहते, बाकी यहाँ पर कोई ईगोस नहीं थे कि या हाउ कैन अ प्रोडक्शन डिजाइनर टेल मी डोंट डू दैट। नहीं नहीं, मेरे को तो बल्कि बहुत अच्छा लगता था और मैं बोलती थी देवना को कि मैं कहीं भी आउट ऑफ कैरेक्टर जाऊँ वहीं कट करवा देना, भागते हुए आना प्लीज और करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम कई महीनों तक कर रहे हैं, कुछ दिन की शूटिंग है, कुछ दिन मैं ये कैरेक्टर प्ले करूंगी, बाद में मुझे ये ना लगे कि अरे यार मेरे हाथ से छूट गया या यहाँ तो मैं मेरा गलत हो गया। एज एन एक्टर बहुत जरूरी होता है कि आप सेट पे ना बिना किसी ईगो बिना आप सरेंडर करो, तभी आप नया कुछ बनोगे, तभी आप नया कैरेक्टर, क्योंकि अगर आपको सब आप ही को आता है, अगर आप बुरा रहे ब्रो ट्रस्ट में आए हो, कई लोग ऐसे बोलते हैं ब्रो ट्रस्ट में है ब्रो ट्रस्ट में, तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे एक्टर्स पे कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो तू अपने बना ले, घर जाके वीडियो बना ले, ब्लॉगिंग कर ले, सीख ले ना, ये डायरेक्टर सिखाएगा तभी ये इस पोजीशन में है, तभी इसको दिया है वो काम करने को, तो इससे सीख ले पागल, तेरा फायदा है, तेरे को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, तू कुछ नया सीख भी रहा है, तेरा आर्ट पॉलिश हो रहा है, तो वो है। तो मैं तो ईगो की क्या बात, और खैर देना तो शी हैज वेरी क्लासी, बहुत ही टेस्ट उनका बहुत रिफाइंड है, मैं तो काफी ग्रामीण हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत वैसे भी जो उनका लाइन ऑफ क्लोथिंग वगैरह की जो उनकी लाइन है बहुत क्लासी है, बिल्कुल प्रिटी, तो मेरा बिल्कुल था कि इसको इसका काम बढ़िया, तो ये हो कि नहीं यार ये टैलेंटेड नहीं है, इसको काम नहीं आता, तो आप अपने आप के लिए दे सकते हैं ऐसे, जब आपको पता है कि नहीं ये टेस्टफुल है, इसको समर्पित कर दिए, इसका काम है ये करेगी, एंड यू हैव मोर टाइम टू काइंड ऑफ हम सीन कर रहे हैं
सडनली पीछे से कैमरामैन हिल के यहाँ वहाँ तो ऐसे भाई क्या कर रहा है तो आप लोग शूट कर रहे थे हाँ क्या था आप एक्टिंग कर रहे हो मेरे को लगा ऐसे कि नेचुरल बात कर रहे हो मैंने कहा नेचुरल तो एक्टिंग he wanted us to बोले वो जो वहाँ है बनने वाली थी मैं कहा यार हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं कहता तुम लोग सारा इतना नेचुरल करते हो अबीर के साथ तो मेरे को समझ ही नहीं आता ये कभी भी एक्टिंग कर रहा है कभी नेचुरल बात कर रहा है Yeah. It is good fun. I think each moment and see each you get it that you must enjoy the process. Yeah. And we enjoy the process or the process will remain with us for some time. For me it is very hard to think I've been there inke sath as an actor kaam kab se kaam karna cha raha to director kab se ja raha unfortunately direction ka to is baar mauka nahi mila but at least I want to act with her because she insisted ki tum karoge role tumhe karoge but good thank you I'm enjoying it No, I'm like बहुत खौफ ज़्यादा हूँ कि अब ये direct करेंगे तो मेरी बात लगा देंगे। इसमें total 5 stories है, बाकी की जो 4 stories है, उनमें से आपको कौन सी पसंद आई है बहुत ज़्यादा या फिर आपने सोचा था कि नहीं मुझे ये भी करना चाहिए? ये आप बहुत जल्दी पूछ रही हैं मेरे से ये सवाल क्योंकि मैंने अब मेरी ही story देखी नहीं है। हमने sing sound किया था तो हमने उसकी dubbing नहीं की है ना sing sound है आसान होता है You have better story. है हाँ web में much better stories है variety है real zone में है TV पे तो मतलब पहले I feel कि 15-20 साल पहले ज़्यादा अच्छा था 20 साल पहले पिछले 10 सालों में तो same ही content है snakes and spiders and sasan dogs that's it अब तक का आपका बहुत सारा किरदार देखा है लेकिन आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि मुझे ये किरदार निभाना और स्टिल इट्स रिमेनिंग इट्स लाइक ऐसा कोई किरदार जो मैं करना चाहूंगा जो तुमने किया हुआ है पहले है ना जो मैंने नहीं किया है और आपको करना चाहते हैं आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय वांटिंग टू प्ले द डेविल मेसेज लगे ये आईडिया मुझे करना है डेविल और डेविल इज अ वुमन Like God is a woman. There is also a woman. I don't mind being the woman. I played. You can. I'll tell you what. I'll play the devil. You can play my that assistant who is the जो वो यमराज का नहीं छोटा वो दूत रहता है जो लेके आता उठा के वो मैं Lastly, what will be the message to the all the fans who are going to watch Tera Chalawa in your andaz? अब तो दिस आई मीन अब तो आपके रिएक्शन का रिव्यू का वेट कर रहे हैं तो आप देखिए तेरा छलावा सिर्फ हंगामा प्ले पर इट्स लाइव इट्स ऑन एयर जरूर देखिए और बताइए आपको कैसा लगा और पांचों कहानियों में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है वी आर वेटिंग फॉर योर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी अच्छी लगी क्या लगी कहानी अच्छी लगी कहानी ट्रोल कर दीजिए हमें ट्रोल कर दीजिए इसकी धज्जियां उड़ा दो लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना मर्डर करो बस किसी के पाप को भी ना पता चले और सब मुझे कह रहे हैं कि गाना मैंने गाया आपको पता है इस गाने में टाइटल सॉन्ग में गाया मैंने है लेकिन उसमें भी कबीर की आवाज है एको या तो देर व्हाई आर यू नॉट प्रमोटिंग दैट जिसको टैलेंट नहीं प्रमोट नहीं कर रहे उसको तुम्हारा टैलेंट है तुम्हें प्रमोट नहीं तो मत तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है ये बहुत I'm sweet to those who are sweet to me. I am terrible. You're sweet to people who are as mad as you. Yeah, that is true. Actually, जो लोग मुझे समझ लेते हैं ना, फिर वो उनके सामने मैं जन्नत बना देती हूँ उनके लिए से। जो मुझे समझ ही नहीं पाता तो फिर वहाँ पे उनकी ज़िंदगी झड़ जाती है। इन कांटे उगते हैं। Thank you. Thank you very much. Please watch तेरा छलावा on Hangama Play. It's live.